नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव। दोस्तों, आज के वीडियो का जैसे थंबनेल आपने पढ़ा है कि ऑटो इम्यून डिजीज और आपकी डाइजेस्टिव फायर का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीज हैं जिन डिजीज से आज बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और इन डिजीजों का ट्रीटमेंट ना के बराबर उपलब्ध है। स्टीरॉयडल थेरेपी के थ्रू आपको इसमें रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, बट नो रिलीफ टिल द एंड। आपको इन बीमारियों की दवा खाते रहनी पड़ेगी। बीमारियां कौन सी मैं आपको बता दूं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा, ये ऐसी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज है। चाहे तो आप गूगल पे करके पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में मैं आज आपको वो सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जिस पर आपने काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा सॉल्यूशन आपके शरीर में एक जादू की तरह ईश्वर ने पटक के रखा हुआ है, छोड़ दिया है डाल के। और हमारी गलती ये है कि हमने भी इसको इग्नोर करके रखा हुआ है। ये क्या है और इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के डिफेक्टेड होने की वजह से होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती हैं समझ लीजिए। हमारे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं की, इस तरीके से मान लीजिए, हमारी कोशिकाओं की मेमोरी लॉस हो जाती है और हमारी कोशिकाएं हमारी हेल्दी सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देती है। हमारे ही शरीर की कोशिकाएं हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को दुश्मन समझने लगती हैं। ठीक इस प्रकार मान लीजिए कि बॉर्डर पर खड़ी आर्मी जो कि हमारे देश को प्रोटेक्शन देती है, और वही आर्मी जब हमारे ही देश के सैनिकों को मारने लगे बजाय दुश्मन देश के सैनिकों को, तो इस प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार का एनवायरनमेंट जब हमारी बॉडी के अंदर तैयार होता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है जैसे मैंने बताया। अब ये होता क्यों है? एलोपैथिक नजरिए से तो इसको बोला गया इडियोपैथिक, मींस इसका कोई अभी तक परफेक्ट रीजन नहीं पता है। बट आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका वर्णन मिलता है। आयुर्वेद कहता है कि जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं जिनको आम दोष से उत्पन्न रोग बोला जाता है, वो सारे आम दोषजन्य रोग हैं, वो हमारी बॉडी में बनने वाले आम दोष के कारण पैदा होते हैं। अब आम दोष होता क्या है? आम दोष होता है हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और ये केवल फूड मटेरियल बोल रहा हूं मैं, अनडाइजेस्टेड तो ये ना समझिएगा कि पेट पेट से संबंधित है। पेट इसकी फैक्ट्री है, बल्कि ये हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर बनता है। हमारी प्रत्येक सेल्स के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो सेल्स के अंदर जो भी चीजें बनती हैं, चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, वो सारा मटेरियल अगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, जिसको मंदाग्नि बोलते हैं, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, जैसा कि इसका थंबनेल आपने देखा, डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, तो आपकी सेल्स के अंदर भी आम दोष बनेगा और वो आमज व्याधि के रूप में आपके शरीर में आएगा। अब वो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है जो जॉइंट से पेन से रिलेटेड है, चाहे सोरियासिस हो सकती है, एक्जिमा हो सकती है, सूजन सिंड्रोम हो सकता है, चाहे लुपस एरिथेमेटस हो सकता है, कोई सी भी डिजीज हो सकती है जो ऑटोइम्यून डिजीज है, वो पैदा होगी ही होगी। और ये आम दोष जिस जिस जगह पर जाएगा उस जगह रोग पैदा करेगा। अब आपको करना क्या है, देखिए अपनी डाइजेस्टिव फायर को आप नोट डाउन कीजिए, आपकी डाइजेस्टिव फायर कैसी है। यदि आपको कभी भूख अच्छी लगती है, कभी बेकार लगती है, तो आपकी विषम अग्नि हो सकती है। अगर लंबे समय से आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन रही है कि आपको खुल के भूख नहीं लगती है, पेट खुल के साफ नहीं होता, दिन में 2 से 3 बार जाना पड़ता है, आपकी जीभ जो होती है उसके ऊपर व्हाइट कोटेड जो लेयर होती है, ऐसे मैल की परत, अगर वो है, गले से बदबू आ रही है, या आपकी लैट्रिन में चिकनाहट आ रही है, या एक और बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को 2 या 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं किसी भी रोग में, ऑटोइम्यून में, तो उनके लैट्रिन के अंदर चिकनाहट नहीं आती है, तो वो इस चीज का पता कर सकते हैं कि उनको भूख कैसी लगती है, उनके शरीर में आलस तो नहीं बना रहता, हल्का हल्का फीवर तो नहीं लगता है, ये सारी चीजें वो पता कर सकते हैं।
अब जब ये पता चल जाए तो आपको अपनी डाइजेस्टिव फायर बढ़ाने पर काम करना चाहिए। अब डाइजेस्टिव फायर आप कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए कुछ मेडिसिंस मैं आपको बताता हूँ। चित्रकादी वटी आयुर्वेद की सबसे बेस्ट मेडिसिंस में गिनी जाती है जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करती है। चित्रकादी वटी को आप एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को तीन टाइम चूस सकते हैं। इसको चूसना है अच्छे से और सुबह उठ करके गुनगुना पानी आपको पीना है। एक मैं आपको ड्रिंक बता रहा हूँ जिसको हेल्थ ड्रिंक बोलते हैं, डाइजेस्टिव फायर को भी इम्प्रूव करेगी, बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठ करके आप 1/3 यानी एक चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है हल्दी का लेना है, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकाडोन टर्मरिक। और यदि आपको लेकाडोन टर्मरिक आपके पास नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकाडोन टर्मरिक को आपको 1/3 teaspoon लेना है। आपको जो है कि अदरक, एक अदरक का इतना बड़ा पीस कूट करके उसको डाल देना है। साथ में आपको उसमें उसको अच्छे से उबालना है उस चीज को, यानी 2 glass पानी का वो आधा गिलास रह जाए इतना उबालना है। उसको छान लीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए। या पर्टिकुलरली 7 से 8 दिन इस चीज को करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी, लिवर हेल्दी होने लगेगा, इंटेस्टाइन आपकी क्लियर होने लगेगी। अगर इस प्रकार से आप ये प्रोसीजर करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जिन पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है, वो खटाई यानी नींबू का परहेज करें, नींबू हटा दीजिए, बाकी सारी चीज को ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं डॉक्टर सलीम शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।